हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त नीतू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ममाज मैजिक। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही स्पेशल है और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, हैप्पी वाला बर्थडे है। तो आज वो अभी ऑफिस गए हैं, तो शाम को हम छोटी सी पार्टी करेंगे और उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। कुछ ज़्यादा नहीं, खास नहीं, लेकिन जो भी मैं घर में करूँगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ अपने हस्बैंड के लास्ट बर्थडे की कुछ मेमोरी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे हस्बैंड को हमारे पेरेंट्स यानी कि हमारे मॉम डैड ने क्या गिफ्ट दिया था मेरे इन लॉज ने। तो वो मैं आप लोगों के साथ कुछ मेमोरी है वो शेयर करना चाहूँगी। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, और मैं तो स्पेशली बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे इन-लॉज मिले हैं जो हमारी हर छोटी से छोटी विशेस को, हर बड़ी से बड़ी विशेस को बिना कहे ही पूरी कर देते हैं। तो मेरे हस्बैंड को लास्ट ईयर एकदम बड़ा वाला लग्जरी गिफ्ट मिला था, बहुत ही स्पेशल, क्योंकि जिस गिफ्ट की हर कोई ख्वाहिश रखता है कि हाँ हमारे पास भी इस तरीके का गिफ्ट हो, यानी गिफ्ट क्या मतलब हमारे पास भी इस तरीके की चीज़ें हों। तो मेरे हस्बैंड को मेरे डैडी ने यानी कि मेरे इन लॉज ने लास्ट ईयर बर्थडे पर एक बहुत ही अच्छी कार गिफ्ट की थी, तो उसकी कुछ मेमोरी हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमें हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत, क्योंकि हमारा तो एक ड्रीम था लेकिन हम शायद उसको पूरा भी नहीं कर पाते, लेकिन मम्मी डैडी ने बहुत अच्छे से हम लोगों की ये विश भी पूरी कर दी और हमें बहुत ही अच्छी एक्सपेंसिव एक कार गिफ्ट की थी। तो उसका जो भी हम लोग लेने गए थे क्या था, वो सारी भी मेमोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को एंजॉय करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए, मैं तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, यानी कि बर्थडे के लिए उनके लिए कोई गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं। तो क्या लेके आते हैं वो मैं आपको वहीं चल के बताऊंगी कि हम क्या लेने जा रहे हैं। अभी कुछ डिसाइड तो नहीं है, लेकिन जो भी लेंगे आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो हस्बैंड का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए हम लोग तैयार हैं, बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो मैंने अभी देखी साड़ी पहनी है आज, तो आज मैंने ये साड़ी पहनी और आज मैंने चोटी बनाई है। मैं हमेशा अपने या तो बाल खुले रखती हूँ या फिर जूड़ा बनाती हूँ, तो आज मैंने ये चोटी बनाई है। तो पता नहीं कैसी लग रही है, आप मुझे बताना कि ये इस तरीके से चोटी कैसी लग रही है मेरे फेस पर। और ये साड़ी तो मैंने एक बार पहले भी पहनी थी अपने बेटू के मुंडन पर, तो आज मैंने ये सेकंड टाइम पहनी है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, अभी हम लोग निकलते हैं। मम्मी बस तैयार हो रही हैं और बेटू को तैयार कर देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा खूबसूरत सा गिफ्ट और इसे लेने के लिए हम लोग गए थे, और ये हमारी ओल्ड मेमोरी है, लास्ट बर्थडे का गिफ्ट। तो मेरा नोनू सिर्फ 2-3 महीने का था तब हम लोग ये कार लेने के लिए गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। तो कार लाने के बाद हमने यहाँ पर पूजा की है, तो यहाँ पर पंडित जी पूजा करा रहे हैं, तो डैडी अभी यहाँ आरती करेंगे। तो रात हो चुकी है वहाँ से आते टाइम, तो पूजा करा रहे हैं, तो डैडी आरती कर रहे हैं। अब पंडित जी ने बोला है कि सब लोग यहाँ हाथ लगाइए ताकि हम लोग एक साथ भोग लगा सकें। तो यहाँ पर मम्मी बैठी हैं बेटी को लेकर, तो नानू देखिए छोटे से हैं तो उनका भी हाथ लगवा दिया है,
जो हमारी यहाँ पर काल की पूजा कराने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर बहुत भोग लगाया है। पंडित जी सभी देवताओं को भोग लगा रहे हैं, तो आज की खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमारे घर में फर्स्ट टाइम कार आई है और वो भी इतनी अच्छी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं बेटू, बहुत ज़्यादा, बस उनको तो ये लग रहा है जल्दी से पूजा हो जाए और हम कहीं ड्राइव कर जाएं। तो यहाँ पर पुष्प चढ़ा रहे हैं डैडी, तो डैडी हमारे घर में सबसे बड़े हैं तो उन्हीं के हाथों से ये पूजा कराई जा रही है। यहाँ पर मम्मी बैठी हुई है बाबू को लेकर, तो हम लोग तो यहीं से पूजा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए, हमें इतना अच्छा गिफ्ट मिला है। तो बस अब यहाँ पर इनकी बारी आ गई है, तो इनसे भी पंडित जी पूजा करा रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी अपने मंत्रों का जाप कर रहे हैं, साथ ही बेटू भी देखिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। बस अब कुछ ही देर में हमारी गाड़ी की पूजा होगी। तो यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य बना रहे हैं, तो अब हमारी कार की पूजा होना शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि हमारी कार कैसी लग रही है, और आपको ये डैडी का हम लोगों को दिया हुआ गिफ्ट कैसा लगा, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट्स नहीं करते हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं क्या नहीं। तो फ्रेंड्स यही हमारी लाइफ का सबसे खूबसूरत तोहफा, जो कि हमने सोचा नहीं था। तो हमारी कार की पूजा हो चुकी है, यहाँ पर गंगा जल छिड़क रहे हैं पंडित जी। अब थोड़ी देर में ही हस्बैंड मेरे थोड़ी सी आगे तक गाड़ी को चलाएंगे, ताकि उसका कुछ नींबू वगैरह रखते हैं टायर के नीचे, तो वो सब करेंगे। तो यहाँ पर हम सब लोगों ने देखिए पूजा कर ली है, हमारे हाथों में भी पंडित जी ने चावल दिए थे, तो हम लोगों ने भी वो यहाँ पर डाल दिए हैं और हमारी कार की पूजा हो चुकी है। अब आ रही है ड्राइविंग की बारी। तो बस अब सब लोग यहाँ पर, ये पंडित जी ने थोड़ी सी डोली दी है, तो हम इसे इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा तिलक करेंगे, मतलब थोड़ा सा छिड़काव करने के लिए बोला है। तो हमारे गाड़ी की पूजा हो चुकी है और बहुत ज़्यादा खुशी है। तो यही थी मेरे लास्ट हस्बैंड के लास्ट बर्थडे की मेमोरी, तो ये मैंने सेव करके रखी थी। उस वक्त मैं वीडियो शूट तो करती थी, लेकिन मुझे वीडियो अच्छे से एडिट करनी नहीं आती थी, अच्छे से तो फिर मुझे अभी भी नहीं आती है, बट मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा सीख जाऊँगी। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमें प्रसाद दे रहे हैं सभी को, तो हम लोग अब प्रसाद खाएंगे और थोड़ा सा मम्मी के साथ यहाँ पर फोटो सेशन, तो मम्मी और बेटू के फ़ोटो हो जाएंगे, क्योंकि मम्मी वहाँ नहीं गई थी, इसलिए मम्मी के साथ कोई फ़ोटो नहीं थे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही हूँ मम्मी के साथ। तो बस इसी तरीके से पूजा करते करते हमें देखिए यहाँ पर 10 हो चुके हैं, अब 10 बज चुके हैं और रात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो बस अब हम यहाँ पर ड्राइव थोड़ा सा करेंगे, और यहाँ पर मैं मम्मी से बोल रही हूँ कि गाड़ी के नीचे नींबू रख दिया कि नहीं, तो बस नींबू लगा दिया मम्मी जी, नींबू लगाएंगे और गाड़ी थोड़ा सा ड्राइव करेंगे। तो इन्होंने गाड़ी ड्राइव कर दी है, तो अब यहाँ पर ये माला रह गई थी, माला तो लगाई नहीं, तो बाद में पंडित जी को याद आया कि अरे फूल माला रह गई है, तो अब हमने देखिए अपनी गाड़ी पर फूल माला भी लगवा दी है। तो बस इसी के तरीके से आज का पूरा दिन चला गया, तो बर्थडे के दिन ये तोहफा मिल गया है। और मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बर्थडे की सेलिब्रेशन की फ़ोटोज़ इसमें नहीं डालूँगी। अपनी जो हम अब बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो उसका वीडियो मैं दूसरा बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसी वजह से। तो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा कि इस साल हमने बर्थडे पर क्या लिया है हस्बैंड के लिए, और उनको उनका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बेटू अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं। इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।